धवन ने मचाया धमाल, वेस्ट इंडीज में किया कमाल, बल्ले से निकले इतने रन कि धोनी से भी आगे पहुंचे धवन। तीसरे वनडे मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 119 रनों से हराने के बाद बेहद ही धमाकेदार अंदाज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। इस मैच में भारत के लिए गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने ही कमाल का खेल दिखाया। पिछले 39 सालों में भारत ने पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप करने में सफलता हासिल की है और बहुत हद तक इसका श्रेय जाता है टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन को। धवन इस वक्त बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद अब तो उन्होंने दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 74 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। अपनी इसी पारी के दम पर धवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1000 रन पूरे कर लिए हैं। धवन हमेशा से ही वेस्टइंडीज की धरती पर तूफानी प्रदर्शन करते आए हैं। इस बार वेस्टइंडीज के दौरे से दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, इसी वजह से शिखर धवन को कप्तान बनाया गया। वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ शिखर धवन के अब 1012 रन हो गए हैं। इस मामले में शिखर धवन ने दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ धोनी ने 1006 और अजहरुद्दीन ने 998 रन बनाए थे। तीसरे वनडे मैच में धवन ने 7 चौके लगाए, इसी के साथ उन्होंने अपने वनडे करियर में 800 चौके भी पूरे कर लिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ धवन का बल्ला आग उगलता है। धवन हमेशा से ही टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते रहे हैं और इस सीरीज में भी उन्होंने ऐसा ही किया। भारतीय टीम ने शानदार तरीके से पहली बार वेस्टइंडीज की धरती पर सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 98 रनों की पारी खेली। उनके अलावा शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। वहीं युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इसी वजह से टीम इंडिया सीरीज जीतने में सफल रही। अब 29 जुलाई से टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित की अगुवाई में T20 सीरीज का आगाज करना है। और देखना यही होगा कि क्या रोहित की कप्तानी में भी टीम इंडिया ऐसा ही कमाल कर पाती है या नहीं।